नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिवपाल सिंह यादव का जन्मदिन। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये सरकार सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। इस मौके पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीर वोरा तथा राकेश सिंह, यशवर्धन आदित्य यादव मौजूद रहे। रिपोर्टर मोहम्मद साजिद। जैसा जो आप सुनते हो गए देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हो गए, एक भी बात उसमें सही नहीं निकली। जनता परेशान, केवल 10-15 केवल उद्योगपतियों को फायदा हुआ है, केवल 10-15। नोटबंदी को में किसको फायदा हुआ है? केवल गुजरातियों को। बताइए, गुजराती जिस तरीके से स्टेट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से उद्योगपतियों से मिलकर पूरी जनता महंगाई से परेशान, भ्रष्टाचार से परेशान, पूरी की पूरी देश की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान। बताओ, डीजल पेट्रोल, एक स्कूटर चलाना गरीब आदमी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। किसानों का बताइए, जो कानून बना है, कॉन्ट्रैक्ट जब फार्मिंग होगी और उसमें एमएसपी का कोई टिकट नहीं, बताओ उद्योगपतियों के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और उसमें बीज और फसल का निर्धारण नहीं होगा तो फिर मनमानी होगी। अभी जिस तरीके से मनमानी हो रही, हम याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जब मंडी थी, बताओ किसी को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रेट नहीं मिला। एक घंटे का काम है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को एक घंटे का काम है कि किसानों को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मेरे पास बिजली विभाग था, हम पूछना चाहते हैं कभी भी किसी भी व्यापारी से लेकर के किसी गरीब किसान मजदूर से लेकर के उसमें